सिडनी टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की जोरदार बल्लेबाजी। वार्नर और रॉजर्स की सलामी जोड़ी ने टीम का स्कोर करीब 200 के पार पहुंचाया। वार्नर ने ठोका शतक। वार्नर और रॉजर्स के आगे सभी गेंदबाज बेबस नजर आए। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का लिया था फैसला। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया में कई बदलाव। शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और ईशांत शर्मा टीम से बाहर। 28 साल बाद सुरेश रैना की टेस्ट टीम में वापसी। रोहित शर्मा फिर से टीम में शामिल। चोट के बाद तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी। धोनी के संन्यास लेने के बाद रिद्धिमान साहा टीम में। कर्नाटक के युवा बल्लेबाज केएल राहुल को मिला एक और मौका। शिखर की जगह मुरली विजय के साथ करेंगे ओपनिंग। रोहित शर्मा पुजारा की जगह नंबर 3 पर करेंगे बल्लेबाजी। नंबर 6 पर खेलने उतरेंगे सुरेश रैना। पिछले 3 टेस्ट की 6 पारियों में पुजारा एक बार पार कर सके 50 का आंकड़ा। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में बनाए थे 73 रन। ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिर्फ एक बदलाव। चोटिल मिशेल जॉनसन की जगह तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉर्क टीम में। 4 मैचों की सीरीज में 2 टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया का पहले से सीरीज पर कब्जा। मेलबर्न में खेला गया टेस्ट ड्रॉ रहा था। आज वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। युवराज सिंह का वर्ल्ड कप टीम में चयन संभव। आज मुंबई में वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का होगा ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा आज। 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची में युवराज का नाम नहीं, लेकिन रणजी में लगातार 3 शतक के बाद युवी की बढ़ी उम्मीदें। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा युवराज सिंह को होना चाहिए विश्व कप की टीम में। चोटिल रविंद्र जडेजा को लेकर सस्पेंस बरकरार। वर्ल्ड कप के लिए 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची में जडेजा का नाम शामिल। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। सोमवार दोपहर को पाक रेंजर्स की ओर से फिर से फायरिंग। फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद। पाक रेंजर्स ने सांबा, हीरानगर और अर्निया सेक्टर में की फायरिंग। बीएसएफ की 40 चौकियों को बनाया निशाना। पाक रेंजर्स की फायरिंग में मनियारी, पंसार, चलियारी समेत कई पोस्ट निशाने पर। भारत की ओर से भी जवाबी फायरिंग। पाक की ओर से हो रही लगातार फायरिंग के बाद सीमा से सटे गांवों से सैकड़ों परिवारों का पलायन। 3000 से ज्यादा लोग बेघर। सांबा सेक्टर में पिछले 4 दिनों में करीब 20 गांवों से लोगों का पूरी तरह पलायन। दहशत के मारे कीमती सामान भी छोड़कर भागे गांव वाले। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने सीमा से सटे कई गांवों को खाली कराया। लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। फायरिंग से विस्थापित हुए ग्रामीणों के लिए बनाया गया रिलीफ कैंप। कठुआ में प्रशासन के आदेश पर सभी स्कूल बंद। थोड़ा ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। अभी बड़े बड़े मोटर के फायर चल रहे हैं यहाँ पे, तो छोटा फायर तो हो नहीं रहा सर। तो हम हमारी फैमिली और हम जा रहे हैं यहाँ से। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक पाक रेंजर्स की ओर से की जा रही है भारी गोलाबारी। रिहायशी इलाकों में भी उनके निशाने। सरहद पर तनातनी के बीच एयर मार्शल पीपी रेड्डी ने कहा हमें परमाणु युद्ध के लिए भी रहना होगा तैयार। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोले एयर मार्शल रेड्डी हमारे दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस। वी आर लोकेटेड इन अ डिफिकल्ट नेबरहुड विद टू न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरीज। Our primary external security challenges arise from the immediate neighborhood, that is to the north and west. एयर मार्शल पीपी रेड्डी ने कहा पाकिस्तान को चीन से मिल रहा है हथियार, हमें दोनों पड़ोसी मुल्कों से सावधान रहना होगा।
एयर मार्शल पीपी रेड्डी के मुताबिक भारत को पाक और चीन की साठगांठ और दोहरे हमले के लिहाज से तैयार रहना चाहिए। संदिग्ध पाक बोर्ड पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कहा ये तस्करी का मामला नहीं, उनके इरादे नेक नहीं थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा पाक एजेंसियों के संपर्क में नहीं होते तस्कर, ये आतंकी हरकत नजर आती है। जो लोग बोट में थे और बोट वहां थी उसके इरादे नेक थे, क्योंकि वो 24 कम से कम हमारे स्क्रूटिनी में 24 घंटा बोट वहां ही घूम रहा। रक्षा मंत्री का बयान, 12 से 14 घंटे तक संदिग्ध बोट का पीछा किया गया, बोट पर सवाल, लोग कोई मंसूबा लेकर आए थे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा जांच के बाद 3-4 दिन में खुल जाएंगे संदिग्ध नाव के सारे राज। जम्मू कश्मीर में नई सरकार पर हलचल तेज, पीडीपी से बातचीत के लिए बीजेपी ने 4 लोगों की बनाई कमेटी। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी से बातचीत करने के लिए बीजेपी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी राम माधव ने कहा पीडीपी की मांगों पर विचार जारी। पीडीपी ने भी बीजेपी को दिया खुला ऑफर, कहा हमने अपनी मांगें बता दी हैं, अब बीजेपी को तय करना है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा सरकार के गठन पर बीजेपी और पीडीपी को ही लेना है फैसला, कांग्रेस के पास सरकार बनाने की संख्या नहीं। योजना आयोग की जगह बनाए गए नीति आयोग के सदस्यों के नाम का ऐलान, अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया होंगे पहले उपाध्यक्ष। 62 साल के अरविंद पनगड़िया भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है प्रोफेसर। नीति आयोग में अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय और पूर्व रक्षा सचिव वीके सारस्वत को भी जगह, दोनों होंगे पूर्णकालिक सदस्य। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह होंगे पदेन सदस्य, 3 और मंत्री विशेष आमंत्रित सदस्य। नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और स्मृति ईरानी आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रधानमंत्री मोदी होंगे आयोग के अध्यक्ष। कैबिनेट से स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी, लौह अयस्क और खनिज की नीलामी के लिए भी अध्यादेश को मंजूरी। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को दी सलाह, जनता से राय लेकर करें काम, जनता के संपर्क में रहे मंत्री। पीएम ने कहा पूर्वोत्तर पर खास ध्यान देने की जरूरत, बोले हर मंत्रालय अपना वेब पोर्टल शुरू करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की बिजली बचाओ देश बचाओ मुहिम, साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर में एलईडी बल्ब जलाकर मिशन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से अपील, घर से लेकर दफ्तर तक हर जगह एलईडी बल्ब लगाएं लोग। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस देश भर में करेगी आंदोलन, पार्टी के महासचिवों की बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस ने अध्यादेश को बताया किसान विरोधी, कहा अगले संसद सत्र से पहले पूरे देश में करेंगे आंदोलन। ये एक लोकतांत्रिक प्रावधान था, उस प्रावधान को हटा दिया गया है और ये एक ऐसी बात है कि जो चिंता पैदा करती है। पंजाब में कांग्रेस को लगा झटका, जगमीत सिंह बरार ने पार्टी से दिया इस्तीफा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को दिल्ली में एक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, सफाई नहीं होने पर कर्मचारियों पर भड़के। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को थप्पड़ मारने वाले युवक के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का मामला, पुलिस के रवैये पर कई लोगों ने जताई आपत्ति। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा युवक पर हमला करने वालों की भी हो गिरफ्तारी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
तृणमूल कार्यकर्ताओं की पिटाई से घायल युवक अब भी अस्पताल में भर्ती, पुलिस के मुताबिक अब हालत में सुधार। पटना में जनता दरबार में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर जूता फेंकने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हम भी तो वही अभी पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई वो एप्लीकेशन कुछ दिया था क्या, तो नहीं, उसका एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है। 2002 में हत्या के एक मामले में दोषी एसपी विधायक कप्तान सिंह राजपूत और उसके भाई को आजीवन कारावास, विधायक ने कहा फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। जालौन की विशेष डकैती कोर्ट ने सुनाया फैसला, चरखारी सीट से एसपी की टिकट पर उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे कप्तान सिंह राजपूत। यूपी के बदायूं में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में एक आरोपी पुलिस वाला गिरफ्तार, बरेली से पकड़ा गया आरोपी। आरोपी कांस्टेबल अविनाश यादव बरेली रेलवे स्टेशन से हुआ गिरफ्तार, भागने की फिराक में था कांस्टेबल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में इंस्पेक्टर ने एसडीओपी की गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद भी गोली मारकर खुदकुशी। टाउन इंस्पेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी का 2-3 दिन पहले एसडीओपी से हुआ था विवाद, सर्विस रिवॉल्वर से पहले एसडीओपी को फिर खुद को मारी गोली। सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर प्रमोद के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चल रही थी जांच। अमृतसर के हरमिंदर साहिब के पास बनी पार्किंग में पर्ची को लेकर झगड़ा, रईस जादो ने पार्किंग स्टाफ पर की फायरिंग। रईस यादव की फायरिंग और मारपीट की करतूत सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आदमखोर भालू से लोगों को मिली राहत, 4 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले भालू को मार गिराया गया। आदमखोर भालू के आतंक से दहशत में थे ग्राम वाले, पुलिस और वन विभाग ने उसे देखते ही गोली मारने के दिए थे आदेश। सोमवार शाम सूरत में एक बंद पड़ी मिल में आग लगने से अफरा तफरी, करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। दमकल कर्मियों के मुताबिक मिल के गोदाम में लगी थी आग, आग में किसी को नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के घर के सामने एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के मधुविहार में एक शख्स पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मृतक महिला आशु शर्मा की 2003 में अवनीश के साथ हुई थी शादी, दोनों किराए के मकान में रहते थे। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक कॉल सेंटर में काम करने वाले शख्स की दफ्तर में संदिग्ध मौत, महिला साथी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। घर वालों के मुताबिक गौरव की कंपनी में काम करने वाली एक युवती से थी दोस्ती, लड़की शादी का डाल रही थी दबाव। नोएडा अथॉरिटी के घूसखोर इंजीनियर यादव सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी, नाराज किसानों ने डीएम आवास का किया घेराव। इलाहाबाद में एक निजी अस्पताल में बदमाशों ने किया बम से हमला, हमले में बाल बाल बचा डॉक्टर का परिवार। पुलिस को घटना के पीछे रंगदारी मांगने का शक, सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में शोरूम से चोरी करने वाली महिला पुलिस की गिरफ्त में, 2 बच्चों के साथ पकड़ी गई। 1.5 साल पहले सरोजनी नगर में कपड़े के शोरूम में चोरी कर फरार हुई थी महिला, इस बार उसी दुकान के तिलक नगर स्थित शोरूम पहुंची थी। महिला चोर को दुकान में घुसते ही पहचान गई दुकान की मालकिन, फौरन पुलिस को दी इत्तला। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम पर गोला हमला, दुकानदार को घायल कर लाखों के जेवरात लूटकर हुए फरार।
कानपुर में स्थानीय एसपी नेता पर गुरुद्वारे में मारपीट और छेड़खानी का आरोप, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। कई घंटे बाद एसपी नेता के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, पुलिस ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी। यूपी के देवरिया में एक बुजुर्ग पिता ने प्रशासन से लगाई गुहार, अंगोला में मारे गए बेटे का शव दिलवा दो। 1 दिसंबर को फैक्ट्री में बॉयलर फटने से युवक की हुई थी मौत, अंगोला की कंपनी ने शव भेजने के लिए परिवार से 16 लाख रुपए मांगे। बलिया में मंत्री के भाषण देते समय एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर झपकी लेते नजर आए डीएम, डीएम को सोदा देकर हर कोई हैरान। सड़क हादसे में बेटे को गंवाने वाले एक शख्स ने लखनऊ में छेड़ी जागरूकता मुहिम, बिना हेलमेट बाइक ड्राइव करने वालों को बांट रहे हैं हेलमेट। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही कई ट्रेनों में शुरू होने जा रही है ई कैटरिंग सेवा। रेल में सवार यात्री अपने मनपसंद खाने का ऑनलाइन कर सकते हैं ऑर्डर, शुरुआत में करीब 2 दर्जन ट्रेनों में होगी ये सुविधा। गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में एक श्रद्धालु ने चढ़ाया 5 किलो सोना, मन्नत पूरी होने पर करीब 1.25 करोड़ रुपए किए खर्च।